वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ नई सड़क शास्त्री नगर स्थित मंदिर विवाद में सम्राट स्वीट्स मालिकों से रंगदारी मांगने व बड़ा हादसा करने की मंशा से बिजली मीटर में आग लगाने के मामले में आज जिला जज की अदालत ने भाजपा के पूर्व पार्षद सतीश गर्ग व भाजपा पार्षद पति वीरेंद्र शर्मा उप बिल्लू की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इस पूरे मामले में खासी क्रिक्री होने के कारण संपूर्ण भाजपा आरोपियों की पैरवी करने में लगी हुई थी। दोनों की गिरफ्तारी बेहद नाटकीय तरीके से हुई थी। जमानत के रूप में फौरी राहत मिलने में दोनों भाजपा नेताओं को 40 दिन जेल में रहना पड़ा। दरअसल नई सड़क पर मधु गुप्ता नर्सिंग होम के पीछे एक प्लॉट है। इसमें एक पारिवारिक मंदिर है। इस परिसर को सम्राट स्वीट्स ने खरीद लिया है। मंदिर हटाने की कोशिश की गई तो इसे लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन, हंगामे व सड़क जाम आदि हुए। विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग, विनीत शारदा आदि शामिल रहे हैं। बीते 9 जुलाई को नौचंदी थाने में सतीश गर्ग, वीरेंद्र शर्मा व पुजारी महादेव शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसमें कहा गया है कि 20 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर उनके मीटर में आग लगा दी गई। यह आग 13 मई की सुबह 4 से 5 बजे के बीच लगाई गई थी। यह आगजनी CCTV में कैद हो गई थी। मामला चूंकि सत्ताधारी भाजपा के लोगों से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने 3 स्तरीय जांच कराई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर सतीश गर्ग व वीरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। रंगदारी व आगजनी जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद भाजपा की खासी किरकिरी हुई। भाजपा पदाधिकारी खुलकर पैरवी में उतर आए। सभी को उम्मीद थी कि दोनों की जमानत 2-3 दिन में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई बार डेट पड़ी और हर बार नई डेट मिल गई। 24 अगस्त फिर मामले में सुनवाई और बहस हुई। इसके बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज करीब 40 दिन बाद दोनों को जमानत दे दी गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम अवश्य हुई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा संक्रमण के प्रति बेहद सतर्क रहें, सरकारी गाइडलाइन का पालन करते रहिए। और हाँ, खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।